हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साक्षी है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो विंटर के लिए, अगर आपके पास है तो यू आर सॉर्टेड फॉर दिस विंटर। जिसमें से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेकअप रिमूवर से। नाउ देर आर टन्स ऑफ मेकअप रिमूवर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑयल यूज करिए। बेस्ट चीज होती है ऑयल, आप यूज कर सकते हैं। दो ऑप्शन जो मैं आपको दे सकती हूँ वो है, पहला पैराशूट ऑयल और दूसरा है जॉनसन्स बेबी ऑयल। मेकअप जॉनसन्स बेबी ऑयल से रिमूव कर सकते हैं, इट वर्क्स वेरी वेल। और इससे आपकी स्किन को थोड़ी ऑयल मसाज भी मिल जाती है एवरी डे, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो मेकअप रिमूवर के लिए ये दोनों में से आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर यू नो बहुत एक्सपेंसिव मेकअप रिमूवर प्रोडक्ट्स लेने से अच्छा पहले महंगे महंगे मेकअप पे खर्चा करो, उसके बाद महंगे महंगे मेकअप रिमूवर पे खर्चा करो। उससे अच्छा बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। 70 रुपये का डब्बा आता है ये, देखो 70 रुपये की बॉटल है ये, विच इज़ लाइक इनाफ, मतलब बढ़िया चलेगी आपको। और जॉनसन्स बेबी ऑयल थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लाइक दिस इज फॉर 47 रुपीज, बट फिर भी बाकी चीज़ों से तो सस्ता ही है। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, मैं यही यूज़ करती हूँ, जॉनसन्स बेबी ऑयल ही यूज़ करती हूँ। जो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है फेस वॉश। तो फेस वॉश मैं रिकमेंड करूंगी आपको हिमालय नीम फेस वॉश। नाउ हिमालय नीम फेस वॉश बहुत अच्छा है, मैं तो 12 महीने यही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। हर स्किन टाइप को सूट करता है और बढ़िया काम करता है, पिम्पल्स नहीं होने देता आपको। मेरी तो ड्राई स्किन है तो मेरे को पिम्पल्स नहीं होते, बट माई हस्बैंड ही हैज़ लाइक ही हैज़ अ सेंसिटिव स्किन, ही हैज़ ऑयली स्किन, बट उन्हें भी कोई पिम्पल्स नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नो ब्रेक आउट्स, नथिंग। तो हिमालय नीम फेस वॉश इज़ वॉट आई वुड रिकमेंड यू फॉर दिस विंटर। ओके गाइज, नाउ कमिंग टू फेस स्क्रब। तो फेस स्क्रब के लिए मैं बोलूँगी ऑलिव ऑयल खरीद लीजिए। ये देखिए फिगारो का ऑलिव ऑयल है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ये ऑलिव ऑयल, बट इतनी बड़ी बॉटल आती है, लाइक दिस इज 200 ml एंड कितने का है ये, 280 रुपीज़ का 200 ml है। फिर भी इतना महंगा नहीं है, आप ये ले सकते हैं, डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं, और ये आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेगा। तो अगर आपके पास ये ऑलिव ऑयल है, एड दिस ऑलिव ऑयल विथ सम शुगर एंड यू कैन यू हैव अ गुड स्क्रब। आप इस ऑलिव ऑयल को डायरेक्टली भी आप थोड़ा सा लेके फेस पे मसाज कर लीजिए रात को सोते समय, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप डायरेक्टली इसे हाथ पैर पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर से ज़्यादा अच्छा काम करता है ये ऑलिव ऑयल। तो मैं तो ऑलिव ऑयल बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरी ये बॉटल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रही है। और अगर आपको ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करना है और लाइक अगर आपको शुगर बहुत हार्ड लगता है फेस पे, तो आप बेसन और दही, इतना सिंपल है, बस दही और बेसन का मिक्सचर बनाइए और आपको बहुत अच्छा स्क्रब तैयार है। तो आप स्क्रब के लिए मेरे अकॉर्डिंग दीज दिया, अगर आपको बेसन से एलर्जी है तो आप बेसन की जगह व्हीट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दही सूट नहीं करता तो आप दही की जगह थोड़ा सा दूध और उसमें थोड़ा हनी मिक्स कर लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए। तो इस प्रकार की चीज़ें आर वेरी गुड फॉर यू नो फॉर फेस स्क्रब। पता है अब हमारा फेस फेस क्रीम, मतलब हमें चाहिए होता है कोई कोल्ड क्रीम, बचपन से देखते आ रहे हैं कोल्ड क्रीम फॉर फेसेस। तो मैं सजेस्ट करूंगी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कोल्ड क्रीम, गो फॉर अ फेस सीरम, फेशियल सीरम। क्योंकि कोल्ड क्रीम क्या होता है, कोई सी भी कोल्ड क्रीम लगा लीजिए, वो कुछ देर तक आपको बहुत बहुत ऑयली ऑयली दिखाता है, लेकिन वो वापस आपको फिर थोड़ी देर बाद वो उड़ जाती है और यू अगेन वापस आपको वापस ड्राई फील होने लगता है। फेशियल सीरम, तो देयर आर मेनी फेशियल सीरम्स अवेलेबल इन मार्केट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक गुड वाइब्स का रेडिएंट ग्लो फेस सीरम आता है, विच इज़ रियली गुड, लाइक यू नो आप वो चिपचिपा नहीं करता और आपकी स्किन को और हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। फिर नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना हम साल भर भी नहीं, दैट इज लिप बाम। तो लिप बाम ऑल्सो नाउ देर आर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। आई वुड सजेस्ट यू ठंड के मौसम के लिए मैं जो यूज करती हूँ वो बोरोलिन। पहले वो एक ग्रीन कलर का ट्यूब आता था बोरोलिन का, आजकल ये नया आने लगा है, इस सीजन में मुझे नया ये वाला मिला, तो बहुत चलता है बोरोलिन, बहुत सस्ता आता है, लाइक 30-40 रुपये में मिल जाएगा आपको, इसमें इसका प्राइस नहीं लिखा हुआ, पर हाँ नॉट मोर देन 30-40 रुपीज। और मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत सारा बोरोलिन लगाइए रात को सोते समय और आपको सुबह अच्छा फील होगा। देखिए आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी, बट ये खत्म हो चुका है,
मैं आधे से ज्यादा इसे यूज कर चुकी हूँ, अभी आधी ठंड निकली नहीं है और मेरा ये आधा। उसके अलावा अगर आपको पोरोली नहीं जमता है तो आप निविया का लिप बाम यूज कर सकते हैं। इसमें ये निविया का शाइन लिप बाम है वाटरमेलन फ्लेवर में, ज्यादा कलर भी नहीं होता इसमें और ये मॉइस्चराइज भी करता है। ज्यादातर बाकी के जो निविया के लिप बाम है उनमें बहुत ज्यादा कलर है, तो उससे अच्छा कि एक ब्लू वाला भी आता है जिसमें कोई कलर नहीं है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, वो ट्यूब में भी आता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं इफ यू डोंट वॉन्ट टू गो विद बोरोली। अदरवाइज बोरोली गाइज इट्स द बेस्ट। नाउ द लास्ट प्रोडक्ट दैट यू नीड विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम भूल जाते हैं ठंड के मौसम में, हमें लगता है कि धूप चली गई है, गर्मी चली गई है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, विच इज सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी न्यूट्रोजिना का सनस्क्रीन। मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन ट्राई किए बट मुझे लगा ये बेस्ट है अभी तक का। ये आप जब लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा ऑयली लगता है, लेकिन ये सनस्क्रीन काम करता है। इंडिया में अगर हम रह रहे हैं, हमारी कंट्री में वी कांट अवॉइड सन, तो वी डेफिनेटली नीड अ सनस्क्रीन, अ गुड सनस्क्रीन, एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट न्यूट्रोजिना। तो बिना सनस्क्रीन लगाए कोई सा भी मौसम हो घर से बाहर ना निकले। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।